नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं गांव और खेती किसानी से जुड़ी आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। जैविक खेती से बदल रहा लद्दाख के किसानों का जीवन। मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव से सक्षम हो रहे हैं किसान। आवेदकों को जल्द बांटे जाएंगे 1,00,000 पशु किसान क्रेडिट कार्ड। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के लिए बुलाई जाएगी बैठक। टिड्डियों ने 6 दिनों में चट की 220 गांवों की फसलें। कोरोना से ज्यादा टिड्डियों से खौफ में है किसान। रासायनिक खेती से देश भर में किसानों के खेतों की जमीनें तेजी से खराब होती जा रही हैं। इससे न सिर्फ खेती को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि पर्यावरण और जलवायु पर भी इसका बुरा असर पड़ता नजर आ रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए अब लद्दाख के किसानों ने भी अपना एक कदम आगे बढ़ाया है और लद्दाख के करीब 66 गांव के किसानों ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत जैविक खेती करना शुरू कर दिया है। जहां पहले इन गांव में किसान पारंपरिक खेती पर ही निर्भर रहते थे, तो वहीं अब ये किसान एक ही खेती में फूल, तरबूज, गाजर, गोभी, ब्रोकली और शिमला मिर्च जैसी फसलें एक साथ उगा रहे हैं। लद्दाख में चलाई जा रही मोदी योजना का लक्ष्य साल 2025 तक पूरे राज्य को उर्वरक खेती से मुक्त करना है, जिसके लिए कृषि विकास विभाग किसानों को सस्ते बीज और जैविक खाद के साथ ही ग्रीन हाउस भी उपलब्ध करा रहा है, जिसके जरिए किसान एक ही खेत में कई तरह की फसलें ले पा रहे हैं। एक अनुमान की माने तो इस योजना से फिलहाल राज्य के 40% किसानों को फायदा होगा। आने वाले समय में जल्द ही 241 गाँव के किसानों को भी इस योजना का फायदा होगा। किसानों को सक्षम बनाने की दिशा में अब केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है, ताकि खेती किसानी करने वाले किसानों के साथ ही पशुपालक भी अपनी आय में वृद्धि कर सके। इसके तहत 15 अगस्त तक बैंकों द्वारा आवेदकों को 1,00,000 क्रेडिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। योजना के बारे में जानकारी देते हुए राज्य के कृषि मंत्री JP दलाल ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार किसानों की मदद करना है। योजना के तहत पोर्टल पर धान व बाजरे की बोई गई फसल के रकबे की जानकारी दर्ज कराने के लिए किसानों को 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने अधिकारियों को इस पोर्टल की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान के चूरू में इस समय कोरोना से भी ज्यादा किसानों के बीच टिड्डियों का खौफ बना हुआ है। दरअसल पिछले एक हफ्ते में जिले के 220 गांवों में इन टिड्डी दलों ने 4,018 किसानों की फसलों को बिल्कुल चट कर दिया है। कृषि विभाग की टीम और किसान दिन रात इनको नियंत्रित करने में जुटे हैं, लेकिन इनका खतरा बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। आखिर 6 दिनों के दौरान टिड्डियों से 18,918 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिसमें से 11,160 हेक्टेयर में कृषि विभाग की टीमों ने नियंत्रण की कार्यवाही भी की। टिड्डियों के साथ साथ फाका भी किसानों के जी का जंजाल बना हुआ है। जहां कृषि क्षेत्र में पड़ाव डाल रही है, वहीं फाका खेतों में पहुंच रहा है। बीते 6 दिनों का औसत निकाले तो हर दिन 37 गांव तक टिड्डियों व फाका पहुंच रहा है, जिससे 3,153 हेक्टेयर क्षेत्र के हिसाब से 670 किसान प्रभावित हो रहे हैं, जबकि कृषि विभाग की टीमें 1,860 हेक्टेयर में ही नियंत्रण की कार्यवाही कर पा रही है। किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों के अलावा एक बार आइए नजर डाल लेते हैं खेती किसानी से जुड़ी बाकी की अहम खबरों पर भी। बीते सोमवार को उत्तर प्रदेश के इटावा में धान की रोपाई करके घर वापस लौट रहे किसान जितेंद्र कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल रास्ते में जाते वक्त ट्रांसफार्मर के पास से गुजरा HT लाइन का तार टूटकर किसान के ऊपर ही गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। किसान की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। समाज सेवी रजनीश कुमार ने जिलाधिकारी से मृतक किसान के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग भी की है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के बनवीरपुर के रहने वाले किसान गया प्रसाद दुबे एक पेड़ से 5 प्रजातियों के आमों का स्वाद ले रहे हैं। जहां दुबे पहले परंपरागत खेती करते थे, तो वहीं कमाई ना होने की वजह से उन्होंने लखनऊ के रहमान खेड़ा से फनी कलम बांधने की तकनीक सीखी, जिसके बाद उन्होंने अमेठी के बनवीरपुर में नर्सरी खोलकर इसे व्यावसायिक रूप दे दिया। अब गया प्रसाद को हर साल लाखों की कमाई हो रही है।
तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।